वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। सीरियल लीग का मैच हो रहा है एम्पोली वर्सेस इंटर मिलन के बीच 11 बजे एंड बात करें, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है, सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें अगर हम इस मैच की तो एम्पोली और इंटर मिलन में वी हैव टू फेवर इंटर मिलन। एक्चुअली इंटर मिलन टीम एम्पोली से बहुत आगे है और इंटर मिलन का लास्ट मैच जो 4-4 से ड्रॉ हुआ था उसको लेकर मैं थोड़ा चिंतित हूँ, क्योंकि उसमें 2 पेनल्टीज थी, अगर वो होती तो भाई इंटर मिलन वो मैच हार जाती। तो इंटर मिलन को लक के कारण उस दिन हार नहीं मिली, हालांकि ये टीम अपने आप में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टीम है, मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन इंटर मिलन को कुछ हद तक और मेहनत करनी चाहिए। जैसे इनका निचले स्तर का स्ट्राइकर थोड़ा कमज़ोर है और मिडफील्डिंग में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनके 2 प्लेयर इंजर्ड है। अब वो क्या है इंजरी विंजरी वो सब आपको मैच में वीडियो के दौरान पता चलेगी। तो आगे चलते हैं, तो स्ट्राइकिंग की बात करें, देखिए भाई स्ट्राइकिंग सेक्शन में इनका एक प्लेयर है लुटेरो मार्टिनेज। तो ये बंदा मेरा फेवरेट है, मैं इसी की बात कर रहा था, जो मैं कह रहा हूँ ना आउट ऑफ फॉर्म किसकी चल रही है। देखो इन दोनों ने सीजनल हैट्रिक्स भी कर रखी हैं, एल मार्टिनेज ने काफ़ी बार और थुरम ने इस बार। तो थुरम के ऊपर तो मैं शक कर नहीं सकता, मतलब थुरम ने मेरे को जवाब दिया, मतलब जो मैंने मांगा कि ये चलता नहीं उसने चल के दिखाया। इसने 27 अक्टूबर को भी गोल किया, इसका फ्रेश गोल है सबसे ज़्यादा जुवेंटस के अगेंस्ट। इस बंदे ने मेरे को निराश नहीं किया, मैं निराश हूँ असल में इससे। मैं एल मार्टिनेज पे बहुत 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 ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ भाई, आपको नहीं पता कितना। ये बंदा अर्जेंटीना का यार, अर्जेंटीना के प्लेयर ऐसे नहीं है, अर्जेंटीना के प्लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये भी है, लेकिन ये कुछ बेचारा आउट ऑफ फॉर्म हो रखा है, बट बहुत जल्दी फॉर्म में आएगा, सो इनके साथ जाएंगे। उसके बाद ऑपोजिशन टीम में एस्पोजिटो करके एक प्लेयर है, जो कि 20 अक्टूबर को मैंने देखा तो मज़ा आ गया, क्योंकि उस मैच में इसका गोल तो नहीं आया, लेकिन नेपोली के अगेंस्ट 3 बार गोल की कोशिश इस बंदे ने की थी और उस मैच में 70% सिलेक्शन भी थी इस बंदे की। आज तो देखा जाए तो उतनी है, लेकिन अगर आज इसकी सिलेक्शन 4-5% भी होती ना मेरे भाई, मैंने तब भी इसको लेना था। मतलब मैं पिछले मैच में गेम प्ले देख के इंप्रेस्ड हूँ इस बंदे के। और मिडफील्डिंग की बात करें, इनका मेन इंजरी में पहला नाम है हैकन कैलनोग्लू, जिसको आई थिंक हैमस्ट्रिंग इंजरी है, पता नहीं एंकल इंजरी है, कुछ ऐसा ही था, कुछ दोनों में से कुछ दिक्कत है इसको, तो ये नहीं खेलेगा। और उसकी जगह पर मैक्टीरियन है, और मैक्टीरियन ने पिछले मैच में गोल भी किया, मैं इस बात से पीछे नहीं हट रहा, लेकिन मैक्टीरियन ने कितने गोल की सीज़न में, 1 या 2 पिछले सीज़न में भाई, बिल्कुल बेकार। जब तक ये बंदा इस टीम में नहीं था, इससे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था, जब से ये बंदा इंटर मिलन में आया, आज इसको 2 साल हो गए होंगे, ये बंदा बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है। निको बेरला इतना फ्लॉप, मतलब मैं निको बेरला के ऊपर हैरान हूँ, जिस बंदे को हम लोग टीम में लेने को तरसते थे, आज वो बंदा ऊपर मुझे दिख रहा है। और मैं ना लेने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वी वांट ओनली वन प्लेयर पियोटर ज़ेलेंस्की। इस बंदे को दाद देता हूँ, अगर ये पिछली बार मेरी टीम में ना होता तो मेरा मैच तो गया था, क्योंकि मैंने उस मैच में हैनरिक को नहीं लिया था, मैंने उस मैच में हैनरिक की जगह पर लिया था पियोटर ज़ेलेंस्की। तो मैं, इस बंदे ने मुझे मैच जिताया, 2 पेनल्टीज पे गोल किया, 2 बार पेनल्टी ली, उसके बाद डी डम्फ्राइस ने उस मैच के अंदर एक गोल किया था और असिस्ट किया था, बट ही इज़ नॉट, मतलब ही इज़ नॉट अ मेन मिडफील्डर, बीच में कभी कभी उसको डिफेंडर बना देते हैं। तो अभी मैं ऐसे बंदे को भी नहीं लूँगा, मेरा तीसरा प्लेयर फ्रटेसी होगा अगर खेला, अगर नहीं खेला फिर तो मैं 4 डिफेंडर लेने वाला हूँ, सॉरी मैं आगे से 3 डिफेंडर्स लेने वाला हूँ। द फर्स्ट वन इज़ एफ डिमार्को, जिसको बहुत अच्छी तरह मिडफील्डिंग भी आती है। उसके बाद बेस्टोनी की बात करें तो उसकी जगह पर मैं बेंजामिन पवार्ड प्रेफर करता हूँ, और पवार्ड के बाद एसर भी इंजर्ड है, एसर भी नहीं खेलेगा, उसकी जगह आप डार्मेन को ले सकते हो, डार्मेन ले सकते हो, ब्रिज ले सकते हो, बट ब्रिज थोड़ा इनफॉर्म नहीं है, तो मेरा प्राइमरी ऑप्शन डार्मेन है। उसके बाद एम्पोली की बात करें तो एक स्ट्राइकर आपने उनका लिया, तो अगले प्लेयर की बात करें तो वो है इनका एम्यूनल गियासी, जो कि इनका पुराना प्लेयर है, और एल हेंडरसन पिछले मैच के अंदर जिन लोगों ने लिया था, नहीं लिया होगा सॉरी, वो सब्स्टिट्यूट है, अगर लिया होगा तो आप दुखी रहे होगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट को कोई नहीं रहता। और एक इनका फॉस्टिनो सिर्फ पॉइंट देगा बिना गोल करे, क्योंकि अगर आप गोल की उम्मीद कर रहे हो इस बंदे से तो भूल जाओ भाई, क्योंकि गोल करेगा ही नहीं। और गोल कीपिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ डी वैस्कोस को, जिसने पिछले मैच में जस्ट एक आधी गोल भी सेव शायद नहीं किया। बात करें कप्तान की, मेरा कैप्टन तो लुटेरो ही है, और वाइस कैप्टन, गलती से मैंने हैकन कैलनोग्लू ले लिया यार, मैं वही देखूँ एक प्लेयर क्या हुआ है, मैं हैकन को लेना ही नहीं है, हैकन तो इंजर्ड है, अपने मुँह से बोल रहा हूँ और उसको ले रहा हूँ, सॉरी भाई इसको आपने नहीं लेना। तो जैसे कि मैं निको बेरला, हैनरिक मैक्टीरियन नहीं ले रहा, मेरा असली प्लेयर फ्रटेसी रहेगा। अब फ्रटेसी अगर खेलेगा, नहीं खेला तो डिफेंडिंग में जो मैंने आपको प्लेयर मना किया था बेस्टोनी, आप इसी को पिक कर लो, क्योंकि हैकन तो खेलेगा नहीं। और कैप्टन की बात करें तो एल मार्टिनेज, वाइस कैप्टन की बात करूं तो आप रखो डिमार्को को। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।